मिसाज आप लोगों ने ये दोबारा से प्रोटेस्ट रिन्यू किया है, इस सानिये को आफ्टर 8 और 10 डेज गुजर गए हैं, अभी तक इसके पीछे जितनी भी वजूहत है उसका कोई ना तो प्रॉपर हल निकला है, ना प्रॉपर मुलजिम पकड़े गए हैं, ना उसका कोई प्रॉपर जवाब मिला है, इवन के उनके घर वालों तक को कोई अच्छा और प्रॉपर जवाब नहीं मिला। क्यों ये क्यों है कि किस वजह से इसको इतने केस को लटकाया जा रहा है? ये छोटा केस नहीं था, केस भी काफी बड़ा है, क्यों लटकाया जा रहा है? ये हम इस पे इसीलिए जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि औरत एक माँ भी है, बहन भी है और बेटी भी है। ये वो अजीम रिश्ता है जिसको डिले नहीं किया जा सकता, इसको डिले करना ही नहीं चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, और इस पे फुलफिल होना चाहिए और इस पे उनको मुजरमों को पकड़ें। कभी उनको कहते हैं जी पकड़ लिया, कभी कहते हैं जी वो असली बंदा ही नहीं था, जबकि ये हमें बहुत ज़्यादा एहतजाजन ये इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वी वॉन्ट जस्टिस, ताकि हमें जस्टिस मिले और उस मुजरिम को पकड़ के ये पुलिस और हमारी आला हुकूमत सारे औरत की इज्जत को बहाल करें, और ताकि खौफ व हरास फैल गया है क्योंकि औरत घर से निकलती है उसको डर लगता है, ताकि इसमें सारी औरतों का भला है। और हमारा ये अजीम रिश्ता है और मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है इसमें जितनी जल्दी कर सके कोशिश करें, वरना ये बढ़ता जाएगा सैलाब की तरह और औरतें निकलती रहेंगी और औरतें इस मसले में बहुत परेशान है जी। और हमने ये प्रोटेस्ट इसीलिए सिविल लिखा है ताकि हम ये सारी पार्टीज जो हैं वो इसमें शामिल हों, कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है, एक औरत है और औरत के लिए एक औरत को निकलना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे साथ वकला बरदरी भी है, मीडिया भी है, सब हैं हमारे साथ तावन कर रहे हैं, प्लीज़ इसमें वी वांट जस्टिस। थैंक यू सो मच। देखिए हमारा मुल्क जो है, हमारे मुल्क में हर बंदे के हकूक़ हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक़ हर इंसान के हैं। मैं कहता हूँ कि अगर कोई शख्स मुलज़म है तो पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, उसको मुलज़म डिक्लेयर किया जाए, उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो जो प्रायर टू द इन्वेस्टिगेशन जो ये स्टेटमेंट्स पुलिस की तरफ से आ रहे हैं, हम बड़े परेशान हैं उस स्टेटमेंट से। इस तरह की स्टेटमेंट दे के आप मुल्क की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, आप मुल्क के नुमाइंदा हैं और आप कहाँ आप क्या कर रहे हैं? ख्वातीन के हकूक़ की बात अगर की जाए तो इमरान खान ने इसके लिए बड़ी स्ट्रगल की, 22 साल स्ट्रगल की है, तो क्या उसके मुल्क में ख्वातीन के साथ इस तरह रेप होगा? और क्या रेपस्ट को आप खुली छुट्टी दे देंगे? उनको क्यों नहीं गिरफ़्तार किया जाता? उनको क्यों नहीं सजा दी जाती? हमारा प्रोसिक्यूशन का निज़ाम बिल्कुल इन्होंने तबाह करके रख दिया है, पुलिस अपनी मर्ज़ी करती है, पुलिस चाहे तो किसी मस्जिद के बाहर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती, किसी के साथ रेप होना तो दूर की बात है, इनको हर चीज़ का पता है, ये जानबूझ के इस केस को ख़राब कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अपने मुल्क का जो एक स्टेटस है उसको दागदार कर रहे हैं। मैं अपने अफसरान बाला से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे ईमानदार अफसर वो जो जिनको हम बड़े अच्छे नामों से जानते हैं उनको ये इन्वेस्टिगेशन दी जाए ताकि एक्चुअल जो मुलजमान है वो कैफरे किरदार तक पहुँच सके। बिल्कुल लेना चाहिए गवर्नमेंट को इसका नोटिस जो उस मतलब औरत के साथ उसके बच्चों के सामने हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और सिर्फ बॉडी पार्ट्स काट देने उस बंदे के काफ़ी नहीं है, उसे चौक पे खड़ा करके फांसी दी जाए और लटका के रखा जाए ताकि पता चले कोई अगली मतलब अगली बार कोई ऐसे 100 बार सोचे ये गलती ना करे उस औरत का। मतलब हम इसीलिए हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए गवर्नमेंट को, मतलब जल्दी देनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगी कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और पुलिस की सलाहियत पर शुबा नहीं है, उन्होंने काम किया है और उन्होंने मुजरिमों को पकड़ा भी है। अभी एक जो मुजरिम है उसकी तलाश जारी है आबिद मलिक की, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम इस प्रोटेस्ट के लिए ना निकलें तो शायद उसको सजा देने का जो अमल है वो रुक जाएगा। और मैं यही कहना चाहूँगी जो इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने ये एक जो है वो आइडिया पेश किया है कि उस बंदे के बॉडी पार्ट्स को जो है वो काट दिया जाए, तो मुझे वो गैर मुनासिब लगता है। मुझे ये लगता है कि इससे भी ज़्यादा उसको कड़ी सज़ा देनी चाहिए, और कड़ी सज़ा ये होगी कि उसको जो है वो सरेआम लटकाया जाए, ताकि आने वाले वक्तों में जितने भी लोग इस किस्म की हरकत करने के बारे में सोचें उनको जो है वो एक मैसेज मिले कि वो ये जुर्म नहीं कर सकते। ये आई थिंक सो कि इट्स अ फॉल्ट ऑफ सिस्टम, ये हमारे सिस्टम की ख़राबी है जिसकी वजह से वो आप देखें कि जो अक्यूज्ड जो कि बीच में इसमें पकड़े गए, जो कोई आया कोई खुद सरेंडर कर रहा है या कोई खुद आके या कोई लाइक इसमें पुलिस का कोई आपको किरदार नहीं नज़र आ रहा, ना ही कहीं हुकूमत का कहीं किरदार अदा हो रहा है। ये आप जैसे मेरे जैसे आम इंसान ही इसमें आके वर्क कर रहे हैं, हम लोग ही उनके लिए डिफेंस कर रहे हैं, हम लोग ही उनके लिए लड़ रहे हैं, हुकूमत का दिखा दें कहाँ पे कोई रोल है। एक आर्टिफिशियल जो है स्टेटमेंट्स आ जाती हैं और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आई थिंक सो ये कोई नहीं, ऐसा शर्म आती है
शर्म आती है इस पे और कुछ भी नहीं है कि सिर्फ शेमलेस होके आप और मैं यहाँ पे खड़े हुए हैं कि हम अपनी शर्मिंदगी को कम करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं कि कुछ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी तरफ से कंपनसेशन है लेकिन सो कॉल्ड कंपनसेशन है। आई थिंक ये कोई बेसिक वो हल नहीं है। इसके लिए बिल्कुल हुकूमत को जो है सीरियस होना चाहिए, हमारे जो कानून के जो वो कानून लागू करने वाले इदारे हैं उनको सीरियस होना पड़ेगा। ये अवाम तो बिल्कुल जो है वो अपने जो है अपना क्या कहते हैं कि जो, जैसे कि आपने फरमाया कि इतना बड़ा साने हुआ तो उस पर आप देख लें रिजल्ट्स क्या हैं। अगर हम मगरिब में चले जाते हैं उनकी मिसालें ले लें तो अभी पिछले दिनों ही एक वाकया हुआ वहाँ पे आपने देखा, तो उसके लिए पूरा अमेरिका क्या सारी स्टेट्स बाहर आ गई, ठीक है। तो उसी को देख के कि यहाँ भी इंसान की ज़िंदगी की कदर होनी चाहिए, हाँ जी, जो कि नहीं है। यहाँ पे किसी को मार दिया जाए तो कोई रोड पे कुचल के चला जाए या किसी का रेप कर दिया जाए, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे को हमारे CCPO साहब का बयान आ गया कि अपना वो निकली ही क्यों थी, तो फिर आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग किस लिए हैं? आप लोगों को किस लिए इतनी इतनी बड़ी सैलरीज दी जाती हैं? आप लोगों को क्यों यूनिफॉर्म पहना दिए गए हैं? अगर आप लोग नहीं हिफाजत कर सकते उसको, उस बात पे जो था आर फील करना चाहिए था, शर्मिंदा होना चाहिए था, ना कि उन्होंने कह दिया कि वो निकली क्यों। मतलब फिर हम अपने घरों में चले जाते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी को भी खुद ही संभालते हैं। हाँ जी, अपनी मदद आप, देयर इज नो पुलिस, देयर इज नो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स, पुलिस नहीं है ना, इसलिए हमें घर से नहीं निकलना चाहिए, मैं ये समझता हूँ जी। मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से अभी लोगों के दोबारा से प्रोटेस्ट जो यहाँ पे गुलबर्ग में किया गया है, उस हवाले से हुकूमत हमारी क्या कर रही है? हुकूमत ने अभी तक प्रॉपर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं उस बेचारी को अभी तक इंसाफ दे सके? क्यों? वो हवा की बेटी नहीं थी क्या? वो मुसलमान नहीं थी क्या? वो इंसान नहीं थी? बराए मेहरबानी इन लोगों की अपील है हुकूमत से कि इस नोटिस को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए, इस पर जो भी प्रॉपर एक्शंस हैं उसको लिया जाए और जो मुजरिम है उनको सज़ा दी जाए। कैमरामैन हारिस के साथ फरीद अहमद, नई खबर, लाहौर।